अस्सलामुअलैकुम, ये पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज है। सुबह 6 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ कासिम अली। मैं हूँ नाजिया कमल। और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ्फुज़ किया जाएगा। हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन बकाए बाहमी की बुनियाद पर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर अहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। बड़े शहरों के मास्टर प्लान को अस्तरिनो तरतीब देने से मुतालिक इजलास। बड़े शहरों में बगैर किसी मंसूबाबंदी और फैलाव से माहौलियात को शदीद खतरात लाहक। शहरों की अस्तरिनो मंसूबाबंदी से नौजवानों के लिए रोजगार और मआशी सरगर्मियों के बेहतर मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास। सीपैक अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की का बेहतरीन मंसूबा और रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाक चीन दोस्ती के मजर मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में कायम अमन के लिए मुश्तरक काविशें जारी रखने। इक्तिसादी राहदारी मंसूबों को जल्द और बरवक तकमील के अज़्म का इजहार। शेखुपुरा के करीब सच्चा सौदा रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर सिख यात्रियों की वैन ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 22 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शेखुपुरा में ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। वफाकी वजीर इतलात, वजीर खारिजा और वजीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस और गमजदा खानदानों से इजहार ताज़ियत। टिड्डी दल के खात्मे के लिए हुकूमती इकदाम में तेजी। मुहिम के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। मुतासिर इलाकों में सर्वे और स्प्रे। 650 स्प्रे गाड़ियां और 5000 अफरादी कुवत मसरूफ अमल। हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाजों का भी इस्तेमाल। किसानों को इमदादी रुकूम देने के लिए कानून में तब्दीली की जरूरत है। वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम की मीडिया ब्रीफिंग। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के सदारत में काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। एहसास प्रोग्राम के तहत 37,25,000 दरख्वास्त गुजारों के लिए 29,72,00,00,000 रुपए की मंजूरी। एनटीसी के लिए 2020-21 का बजट मंजूर। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का नौजवान रहनुमा बुरहान वानी शहीद की तहरीक आजादी में खिदमात को खिराज अकीदत। बहादुर कश्मीरी नौजवान भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। उन्हें शहदाए कश्मीर के काफिले के एक अजीम सिपाही के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। सैयद अली गिलानी। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मजीद 4,087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 2,21,896 हो गई। 78 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमू तादाद 4,551। 1,13,623 अफराद सेहतयाब।
पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए यूएसएड की जानिब से 100 वेंटिलेटर्स का अतिया। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे, अतिया सदर ट्रंप का वजीर आजम इमरान खान से किए गए वादे की तकमील है। डेप्यूटी कौंसल जनरल जॉन हेलमा क्यू पीटीवी न्यूज से खसूसी गिफ्टी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,11,79,000 से तजावज कर गई। 5,28,000 से जायद अमवात, 62,35,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,32,000 से बढ़ गई। ब्राजील में 63,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को ओहदे से बरतरफ कर दिया। अरशद मलिक की बरतरफी इस दौर का ड्रॉप सीन है जब जजेस को हवारियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। वफाकी वजीर इत्तला नशरियात सेनेटर शिबली फराज। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप पीआईए के जरिए इंग्लैंड पहुंच गया। खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल। वुस्तशायर में मौजूद कौमी टीम के खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प और सनसनी से भरपूर मुकाबले जारी। चैंपियन लिवरपूल को अपसेट शिकस्त, मैनचेस्टर सिटी ने 4 गोल से हरा दिया। प्रीमियर लीग मैचेस देखें पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्पेनिश लीग ला लीगा में लीग लीडर रियल मैड्रिड की गीताफे के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। नाज़रीन हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान की सदारत में इजलास में मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में इस अज़्म को दोहराया गया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ्फुज़ किया जाएगा। इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन बकाए बाहमी की बुनियाद पर ताल्लुकात का ख्वाहां है। ताहम पाकिस्तान मुल्की सालमियत के दिफा की भी भरपूर सलाहियत रखता है। इजलास में भारतीय फोर्सेज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल पामाली पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया गया कि वो मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। इजलास में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की कोशिश नाकाम बनाने पर मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान बड़े शहरों में बगैर किसी मंसूबाबंदी के फैलाव की वजह से माहौल को शदीद खतरात लाहक होने के साथ साथ दीगर मसाइल भी पैदा हुए हैं। इस्लामाबाद में वफाकी दारुलहुकूमत सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों के मास्टर प्लान को अस्तरेनो तरतीब देने से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि शहरों के बेहंगम फैलाव ने सरसब्ज इलाकों को महदूद और ज़रई रकबे को मुतासिर किया है। इस सूरत हाल से फूड सिक्योरिटी को मुस्तकबिल में शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि हर शहर की समाजी और माशी सरगर्मियों को मद्देनजर रखकर मास्टर प्लान में तरमीम की जाए और इस अमर पर खसूसी तवज्जो दी जाए कि शहरी इलाकों में नौजवानों के लिए रोजगार और माशी सरगर्मियों के बेहतर मौके पैदा हों। उन्होंने कहा कि तामीरात के शोबे को मराद देने का मकसद इसका फरोग और रोजगार के मौके पैदा करना है। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी रादारी पाकिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की के लिए एक बेहतरीन मंसूबा और रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी रादारी के तहत मंसूबों में पेशरफ पर जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने सीपैक अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि इदारे की इस्तेदाद को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाक चीन दोस्ती के मजहर सी पैक मनसूबे को हर हाल में मुकम्मल करेंगे और इसके समरात हर खासो आम पाकिस्तानी तक पहुंचाए जाएंगे। सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि वज़ीर आज़म को सी पैक मनसूबों की रफ्तार पर ब्रीफिंग दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि मंसूबों को बर वक्त और तेजी से मुकम्मल किया जाए और मंसूबों के फवायद तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाए जाएं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कहा कि इक्तिसादी रादारी पाक चीन मजबूत भाईचारे का अक्स और मुस्तकबिल की खुशहाली की जमानत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीपैक अथॉरिटी के किरदार को भरपूर सराहा। तदीन वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के वजीर खारिजा वांग जी के साथ टेलीफोन पर राबते में दो तरफा इलाकाई और अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी और हांगकांग, तिब्बत, ताइवान और सिंकियांग के हवाले से चीन के मौकफ की मुकम्मल हिमायत करता है। वजीर खारिजा ने अपने चीनी हम मनसब को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। दोनों वज़राए खारिजा ने अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया और अगले पाक चीन अफगान सह मुल्की वज़राए खारिजा मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया। दोनों फरीकैन ने इक्तिसादी राहदारी मनसूबों की जल्द और बरवक्त तकमील के अज़्म का भी इजहार किया। चीनी वजीर खारिजा ने वाजे किया कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी फेज टू BRI मनसूबे का इंतहाई अहम हिस्सा है, जिसके जरिए पाकिस्तान में इक्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा होगा और रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। वजीर आजम इमरान खान से मुआविन खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर और फोकल पर्सन नसीमुर रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान पनागाहों के नज़्म व नस्क और एहसास प्रोग्राम के तहत बेसहारा और नादार अफराद को सहूलतों की फराहमी में मजीद बेहतरी के उमूर का जायजा लिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बेसहारा और नादार अफराद की किफालत रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। वजीर आजम ने हिदायत की कि पनागाहों में मुकीम अफराद की इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखा जाए। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मजमू सूरत हाल, कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से इकदाम और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान से वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, शेखुपुरा के करीब सुच्चा सौदा रेलवे क्रॉसिंग पर कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ननकाना से पिशावर जाने वाली कोस्टर फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन के साथ टकरा गई। कोस्टर में सिख फैमिली के अफराद सवार थे। रेस्क्यू 1122 और एडी की टीमों ने इमदादी कार्रवाईयों में हिस्सा लिया। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि शेखुपुरा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर बहुत दुख और रंज हुआ है। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर आजम ने कहा कि गमजदा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इंतजामिया को कहा गया है कि वह मुतासरा खानदानों को हर किस्म की सहूलत फराहम करें। हुकाम को हिदायत दी गई है कि तमाम रेलवे ऑपरेशन में नए सिरे से एहतियाती तदाबीर का जायजा लेकर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वजीर इतलात सेनेटर शिबली फराज, वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। और अब कुछ बात करेंगे टिड्डी दल के हमलों की। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,92,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से ज्यादा का सर्वे किया जा चुका है।
32 اضلاع کے متاثر علاقوں میں 966 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹڈی دل کے خلاف آپریشن میں وفاقی صوبائی حکومتیں، آرمی اور دوسرے متعلقہ ادارے شریک ہیں۔ بعض علاقوں میں فضائی سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے اسلام آباد میں انسداد ٹڈی دل کے حوالے سے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کے لیے 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سید فخر امام نے کہا کہ متاثرہ کسانوں کو امدادی رقوم دینے کے لیے قوانین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں تو اس وقت یہ تمام 33 اضلاع میں پایا جا رہا ہے۔ ایریا سروے کیا ہے پاکستان میں، وہ تقریباً 385,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں سے ٹریٹمنٹ جو ہوئی ہے، اسپریز جو ہوئے ہیں، وہ تقریباً 9,274 اسکوائر کلومیٹر کیا گیا۔ پاکستان آرمی نے فی الحال ہمیں 5 ہیلی کاپٹر دیے تھے، جن کی ری الائنمنٹ کر کے فور اسپریز، اور ان کا بڑا افیکٹو اسپریز ہے پچھلے 2 ہفتے خاص طور پر بلوچستان میں۔ 3 ویورز ہماری اپنی منسٹری کے پاس ہیں، ایک ہمارے پاس ان رینٹ ایئر کرافٹ ہم نے لیا تھا ٹرکی سے، 5 رینٹ ایئر کرافٹ اور لیے جا رہے ہیں۔ سید فخر امام نے کہا کہ ٹڈی دل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے استعداد کار میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ملک کی اہم فصل کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل ملتان سے شیراز دورانی کی اس رپورٹ میں۔ کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں دھاگا پیدا کرنے اور استعمال کرنے والا 3را بڑا ملک ہے۔ 50 لاکھ میں سے تقریباً 13 لاکھ کسان 60 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کرتے ہیں۔ یہ رقبہ مجموعی زیر کاشت رقبے کا 15% ہے۔ کپاس کی مجموعی پیداوار کا 70% پنجاب سے حاصل ہوتا ہے۔ رواں سیزن کے دوران صوبے بھر میں 45 لاکھ ایکڑ زیر کاشت رقبے سے 75 لاکھ بیلز کا پیداواری ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ فصل کی اہمیت کے پیش نظر صوبائی حکومت کسانوں کو کھاد، بیج اور زرعی آلات پر سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ کاٹن کی ریوائیول کے لیے ہم نے اس دفعہ بڑی محنت کی، اپنے کسان بھائیوں کو مطمئن کیا، اور آپ نے دیکھا کہ 45 لاکھ ایکڑ تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ مستقبل میں اس کی نگرانی، اس کی پوری شفافیت اور اس میں محکمے کی پوری انوالومنٹ انشاءاللہ شامل رہے گی۔ پنجاب میں کپاس کی بہتر نگہداشت اور پیداواری ہدف کے حصول کے لیے ملتان میں کاٹن کراپ مینجمنٹ گروپ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بھرپور جدوجہد اور فعال کردار ادا کرنے بارے زور دیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کپاس کے تحقیقاتی اداروں نے اب تک اعلی بیج کی 59 اقسام متعارف کرائی ہیں، جو نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ میں بھی نمایاں رقبے پر کاشت کی گئی ہیں۔ پاکستان میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار تقریباً 20 من ہے، جو خطے کے دوسرے ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔ کپاس کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے کسانوں کو بر وقت اور مؤثر رہنمائی فراہم کر کے اس کی پیداوار میں اضافے کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلیویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، مشیر ماحولیات ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ ملک میں 15 نیشنل پارک بنائے جائیں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ان پارک سے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد ملے گی اور روزگار کے 5,000 سے زائد مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارکس کے لیے نیشنل پارک سروس بنائی جا رہی ہے۔ اسی انیشیٹو کے تحت جہاں پر سیاحت کو فروغ ملے گا، جہاں پر آپ کے جابز ملے گی لوگوں کو، وہاں پر جو لوکل کمیونٹیز جو کہ ان نیشنل پارکس کے اندر رہتی ہیں، ان نیشنل پارکس جو ہیں یہ ویران نہیں ہیں سارے، کئی جگہوں پہ جو ہے کمیونٹیز اندر رہتی ہیں، تو ان کمیونٹیز کے بھی رائٹس ہیں اور ہم نے ان کمیونٹیز کو انگیج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو جنگلی جانور جو کہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے بہت یونیک جانور موجود ہیں۔ اس پروجیکٹ میں ہم اپنے اس قدرتی اثاثے کو بچانے کی طرف، یہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا، اس کے تحت یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے احساس پروگرام کے تحت 37,25,000 درخواست گزاروں کے لیے فی کس 12,000 روپے کے حساب سے 29,72 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں بی آئی ایس پی کے لیے مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں مختص 200 ارب روپے میں سے 29 ارب 72 کروڑ روپے خرچ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
مشیر خزانہ نے کہا کہ رواں مالی سال کے دوران بی آئی ایس پی کی کسی بھی اضافی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اور بلوچستان کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس قومی اسمبلی کے سپیکر اور چیئرمین کمیٹی اسد کیسر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں بلوچستان میں بے گھر ہونے والے افراد کی واپسی اور صوبے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے غور کیا گیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر توانائی عمر ایوب سمیت وزراء، مشیران اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اسد قیصر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان کی ترقی اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں قدرت کی طرف سے بے پناہ وسائل موجود ہیں جنہیں صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک پورے ملک، خاص طور پر بلوچستان کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے بہت سارے افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، تاہم اب صورتحال میں بہتری کے ساتھ ان کے گھروں کو واپسی ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کوشاں رہا ہے کہ اقتصادی تعاون تنظیم خطے میں اقتصادی تعاون کا مضبوط اور مستحکم مرکز بن کر سامنے آئے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر حاوی سلیمان پور سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران وزیر خارجہ نے کورونا وبا کے معاشی مضمرات سے نمٹنے اور ترقی پذیر ملکوں کی کمزور معیشتوں کو سہارا دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی ڈیٹ ریلیف تجویز کے خد و خال سے بھی آگاہ کیا اور اس ضمن میں مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے 80 لاکھ معصوم شہری کورونا وبا کے باعث دوہرے لاک ڈاؤن کی صعوبت برداشت کر رہے ہیں۔ مظلوم کشمیریوں کو بھارتی جبر و استبداد سے نجات دلانے کے لیے عالمی برادری کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے معروف نوجوان رہنما برہان وانی کی تحریک آزادی میں خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں شہدائے کشمیر کے قافلے کے ایک عظیم سپاہی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی نے سری نگر میں اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ برہان وانی جیسے بہادر کشمیری نوجوان بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ برہان وانی اس تاریخ کا تسلسل تھا جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک محفوظ وطن عطا کیا۔ بزرگ رہنما نے کہا کہ شہداء کے قافلے کا اصل مقصد مظلوم عوام کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے۔ سید علی گیلانی کا ٹویٹ برہان وانی کی شہادت کی برسی کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جنہیں بھارتی فوج نے 8 جولائی 2016 کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا۔ بھارتی پولیس نے غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے خلاف پرانے جھوٹے مقدمات میں بارہمولہ کی ایک عدالت میں فرد جرم دائر کر دی ہے۔ یاسین ملک کو، جو اس وقت نئی دلی کی تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ قابض انتظامیہ نے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے ترجمان زاہد علی پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر کے انہیں سینٹرل جیل سری نگر منتقل کر دیا ہے۔ ضلع اسلام آباد کے متھن تھانے میں غیر قانونی طور پر نظر بند تحریک آزادی کے شہید رہنما محمد مقبول بٹ کے چھوٹے بھائی ظہور احمد بٹ کے اہل خانہ نے ان کی گرتی ہوئی صحت پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر کے سوپور قصبے میں بے گناہ کشمیری شہری بشیر احمد خان کے بہیمانہ قتل کے خلاف انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام مظفر آباد میں احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دھرنے میں شریک لوگوں نے بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ سوپور میں اپنے 3 سالہ نواسے کے سامنے بشیر احمد خان کی شہادت اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور او آئی سی کے کردار پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔
जहां कोरोना वायरस की ताजा तरीन सूरतहाल से आपको आगाह करें। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 78 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,21,891 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,551 अफराद जां बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 78,956, सिंध में 89,225, बलूचिस्तान में 10,666, खैबर पख्तूनख्वा में 27,170, इस्लामाबाद में 13,195, गिलगित बल्तिस्तान में 1,524 और आजाद कश्मीर में 1,107 है। अब तक मुल्क भर में 1,13,623 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझे हल्का बुखार महसूस हुआ तो खुद को अलग कर लिया, मुझमें कोविड-19 की तस्दीक हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह के करम से मैं खुद को ताकतवर और तवाना महसूस कर रहा हूं, मैं अपने फराइज घर से जारी रखूंगा, मुझे दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,11,54,500 से तजावज कर गई, जबकि 5,27,900 अफराद हलाक हो चुके हैं। 62,29,000 अफराद बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां 28,80,000 अफराद मर्ज से मुतासर हैं, जबकि 1,32,000 अमवात हो चुकी हैं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 63,000 से तजावज कर गई है। अर्जेंटाइन में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद ने कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा अतिया करना शुरू कर दिया है। सर्द मौसम और बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद मुल्क भर में कायम सेंटर्स में अपना प्लाज्मा अतिया करने के लिए गए। लोगों का कहना है कि अगर हम किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकते हैं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं और इस नए काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। प्लाज्मा उन तमाम मरीजों के लिए मौसर साबित हुआ है जिनकी हालत कोरोना वायरस के बायस इंतहाई तशवीशनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक जरूरी है कि प्लाज्मा अतिया करने वाले शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया हो, जिसके बाद वो सेहतयाब हो गया हो और कम से कम 2 हफ्ते गुजर चुके हों और इसका कोविड-19 टेस्ट 2 बार मनफी भी आया हो। तरक्की और मनसूबा बंदी के वजीर असद उमर ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मरीजों की तादाद कम हुई है। वेंटिलेटर्स पर जून के वर्ष के निस्बत मरीज कम हैं। वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एसओपीज पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की। असद उमर का कहना था कि एसओपीज पर अमल दरामद से कोरोना के फैलाव में कमी आई है। जून के वक्त में जहां पर हम खड़े थे उससे आज कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज ऑक्सीजन के ऊपर है, चाहे वो लो फ्लो हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, वो मरीज आज जून के वक्त में जहां पर थे हम उससे कम हैं आज। लेकिन अहम चीज ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये बेहतरी आपको इसलिए नजर आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है। ये मजमूई तौर पे मैंने पाकिस्तान को आपकी सूरत हाल बताई है, लेकिन सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहां पर हमें इतनी बेहतरी नजर नहीं आ रही है और वो सिंध है, खसूसी तौर पे कराची है। आज भी सुबह हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की डॉक्टर अज़ा पेचियो के साथ, और उन्होंने भी उनके जहन में कुछ ख्याल आते हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना चाहिए ताकि जिस तरीके से बाकी तमाम मुल्क के अंदर हमें बेहतरी नजर आ रही है, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध एक हमारा बहुत अहम सूबा है, वहां पे भी इंशाल्लाह ताला हमें आगे बेहतरी नजर आए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, अमरीका ने पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों के लिए 100 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया है। तफसील कराची से ज़िशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में।
अमरीका ने जज्बे खैर सगाली के तहत पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों के लिए 100 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया। कराची एयरपोर्ट के कार्गो वेयरहाउस में डिप्टी कौंसल जनरल अमेरिका जॉन हेलमायू ने यूएस एड की जानिब से 100 वेंटिलेटर्स एनडीएमए के मेंबर ऑपरेशंस ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन के हवाले किए। इस मौके पर पीटीवी से खुसूसी तौर पर बात करते हुए अमरीका के डिप्टी कौंसल जनरल ने कहा कि वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों और दीगर साजो सामान तिब्बी अमले की सहूलत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वबा के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार है। Well, I think it's clear that a friendship and cooperation between the US and Pakistan has existed for many years. We've gone through our ups and downs, but the COVID pandemic has really brought out a strengthening of our partnership. And I think that is demonstrated by the almost 27 million US dollars that the US has been contributing here in Pakistan and the partnership that these ventilators are showing that we're working on together. NDMA ke member operations Brigadier Wasimuddin ne kaha ki ye ventilators corona ke tashvishnak marizon ke liye maavin sabit honge aur in ventilators ko mulk ke tamam subon mein zarurat ke mutabik taqseem kiya jayega. Ye na sirf ventilators hain balki inke sath inki training bhi hai, maintenance bhi hai, aur na sirf ventilators ke liye hi hai balki जो हमारा क्रिटिकल केयर के लिए जो स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग भी इसके अंदर शामिल है। अमेरिका की जानिब से दिए गए इन वेंटिलेटर्स की मालियत $3 मिलियन है। इन वेंटिलेटर्स की मदद से कोरोना के हसास मरीजों को न सिर्फ तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी बल्कि कई मरीजों की जिंदगियों को बचाया भी जा सकेगा। जुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, एनडीएमए ने अमरीका की जानिब से अतिया किए गए वेंटिलेटर्स की तकसीम की तफसील जारी कर दी है। बलोचिस्तान को 13, खैबर पख्तूनख्वा को 27, पंजाब को 23 वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे, सिंध को 26, आजाद कश्मीर 6 और गिलगित बल्तिस्तान को 5 वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे। एनडीएमए ने इन वेंटिलेटर्स की तंसीब के लिए अस्पतालों की फहरिस्त भी जारी कर दी है जो सूबाई हुकूमतों की मशावरत से मुरतब की गई है। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सब का पाकिस्तान। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा चैलेंजेस और खास तौर पर कुदरती आफात के खिलाफ जिस यकजहती अज़्म और हिम्मत का मुजाहिरा किया है, कोरोना इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। दुनिया के बरक्स पाकिस्तान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है। हर चैलेंज में फातेह बनकर उभरने वाली पाकिस्तानी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ भी साबित कदम, मुत्तहिद और पुरअज़्म है। मुल्की यकजहती के मजहर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ कौमी काविशों को तकवीत देने, शोबा सेहत की बेहतरी, अवाम तक इत्तला की बरवक्त फराहमी में कलीदी किरदार अदा किया है। आइए इस जबरदस्त जिद्दोजहद और कौमी खिदमत की दास्तान जानते हैं आसिम रिजवान की इस खसूसी रिपोर्ट में। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना की कुदरती वबा के सामने मुश्किलात से दोचार थी, पाकिस्तान बिलखसूस उसकी आवाम और दीगर इदारे इस वबा के खिलाफ अल्लाह की मदद से एक इतिहाद की शक्ल में सामने आए। खैबर से बोलान तक, जामशोरों से चोलिस्तान तक, मुजफ्फराबाद गलगित बल्तिस्तान तक, हर पाकिस्तानी एक इस्तारा है इस जज्बे का, हिम्मत का, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहले कोरोना केस की तशखीस से लेकर आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम उठाए बल्कि हर शोबे की इस्तेदाद कार में इजाफा किया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, पाकिस्तानी कौम पुरअज़्म, वफाकी और सूबाई हम आहंगी, सिविल और फौजी इश्तराक, अवामी एतमाद का मजहर, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। 23 मार्च को क्याम से अब तक महज 100 दिन, 1700 से ज्यादा घंटों, शबो रोज कौमी काविशों का मरकज, फैसला साजी में रीढ़ की हड्डी, कमांड सेंटर दुरुस्त और फौरी फैसलों के लिए योमिया एजेंडा तैयारी और सिफारिशात कौमी ताउन कमेटी को इरसाल करता है। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ 66 अजला में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर मुतहरिक तरीके से काम जारी, मुल्क भर में इंतजामिया की मुआवनत का बीड़ा उठाया। इस सिलसिले में पाक फौज ने भी भरपूर मदद के लिए तमाम वसाइल, बेशतर असासे, सिपाह, अस्पताल और लेबोरेटरीज वक्फ कर दी। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मेहनत कशों समेत 1,23,00,000 से ज्यादा लोगों को भूख और तंगदस्ती से तहफ्फुज़ के लिए 26 मार्च को एहसास हंगामी कैश प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत अब तक 148 अरब रुपए से ज्यादा की रकम तकसीम की गई है। बिजली के बिलों पर 1200 अरब रुपए रिलीफ दिया गया। 63 ममालिक में महसूर 1
1,00,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को पीएए और गैर मुल्की 478 परवाजों से वतन वापस लाया गया। कौमी सतह पर कमांड सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ मौसर तरीकाकार वजा किया, योमिया इदादो शुमार तैयार किए, तजिया बुरानी कैफियत में सलाहियतों में इजाफा किया, टेस्टिंग सलाहियत 472 से बढ़कर योमिया 50,000 से जायद हो गई, लेबोरेटरीज की तादाद 2 से 132 हो गई। इस्लामाबाद में 35 दिनों में आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट सेंटर मुकम्मल हुआ जो 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और जुलाई के वस्त तक काम शुरू कर देगा। रैंप अप प्लान के जरिए मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ऑक्सीजनेटेड बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। जुलाई के आखिर तक मजीद 2,364 ऑक्सीजनेटेड बेड्स शामिल किए जाएंगे जिनमें आजाद कश्मीर के अस्पतालों को 60 बिस्तर, बलोचिस्तान 200 बिस्तर, खैबर पख्तूनख्वा 390 बिस्तर, पंजाब 620 बिस्तर, सिंध 445 बिस्तर, गिलगित बल्तिस्तान 40 और इस्लामाबाद के अस्पतालों को 609 बिस्तर दिए जाएंगे। रैंप अप प्लान के हवाले से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों को 189 ऑक्सीजनेटेड बेड्स फराहम कर दिए गए हैं। इस वक्त मुल्क में कोविड के लिए 1,562 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं जबकि 1,895 मजीद वेंटिलेटर्स भी जल्द फराहम किए जा रहे हैं। रैंप अप प्लान के तहत इस्लामाबाद के अस्पतालों को 41 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए हैं। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक तिब्बी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की काविशों से TTQ स्ट्रेटेजी मुतारिफ कराई गई ताकि कोरोना के फैलाव और हॉटस्पॉट की निशानदेही करके स्मार्ट लॉकडाउन को मुमकिन बनाया जा सके। TTQ स्ट्रेटेजी की बदौलत मुल्क भर के 30 शहरों में 130 हॉटस्पॉट्स में सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। 4,271 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, तहसील और कौंसिल के हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स शामिल हैं। मुल्क भर में अब तक 5,50,500 अफराद को ट्रैक किया गया और सूबाई हुकूमतों के मुताबिक उनमें से तकरीबन 75 से 80% लोगों के टेस्ट किए गए। NCOC की रिकमेंडेशन के बाद 12 जून को मुल्क भर के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया गया। NCOC ने जिन 112 इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया है इन इलाकों में इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की तादाद 46,226 है। सूबों के इन शहरों में लॉकडाउन लागू करने से वबा के फैलाव में वाजे कमी आई है। NCOC ने 30 मई से मुल्क भर में फेस मास्क को लाजमी करार दिया और इस SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी कर दी। अवाम को बजरिया मीडिया इस SOP के बारे में आगाह किया गया और फेस मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया। मुल्क भर में 12 जून को स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के बाद ये जरूरी था कि SOPs के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रोजमर्रा जरूरियात के लिए मखसूस दुकानें, कारोबार और ट्रैफिक की जरूरत की बुनियाद पर रवानी हो। मुल्क भर के तमाम अजला और इस सिलसिले में NCOC की जानिब से SOPs के निफाज के बाद मुल्क भर में SOPs की 2,56,710 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड हुई। 44,063 मार्केटों, दुकानों और 589 फैक्ट्रियों को सील किया गया जबकि 27,547 गाड़ियों को बंद किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5,86,23,044 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वबा से मुकाबला करते डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के लिए इंफरादी हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर रहनुमा असूल वजह किए और दस्तावेजी फिल्म तैयार की। तिब्बी सामान और आलात खुसूसन वेंटिलेटर्स की मुकामी सतह पर तैयारी के लिए 48 तजावीज पर 13 डिजाइन शॉर्टलिस्ट जबकि 4 के ट्रायल शुरू किए। मसनूई जहानत से सीने के एक्सरे, नर्स यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग किट्स, डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के तहत इंफरादी हिफाजती सामान की तैयारी का आगाज हुआ। वी केयर स्लोगन के तहत डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स को यह एहसास दिलाया गया कि फ्रंटलाइन सोल्जर के तौर पर उनकी हिफाजत के लिए उन्हें हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आगाही मुहिम के लिए PPEs गाइडलाइंस को मुख्तलिफ अस्पतालों और पब्लिक मुकामात में चस्पा किया गया। 2,000 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना किरदार बखूबी अदा कर सकें। अवाम को आगाही दी गई कि वो हेल्थ केयर SOPs पर अमल करें और अपनी और हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बहरानी कैफियत में यकसू इतलाती निजाम की बुनियाद रखी, मुल्की आबादी का मौसर जायजा लिया, बजरिया इंसानी और डिजिटल जराये दुरुस्त, बर वक्त और 5 मुकामी जुबानों में आसान और मौसर इतलात की अवाम, कौमी तआवुन कमेटी और मुतलका इदारों को फराहमी यकीनी बनाई। बेहतरीन आलमी तजुर्बात की रोशनी में पहले मवासलाती हिकमत अमली और फिर रमजान हिकमत अमली तश्कील दी। बकरीद की आमद के मौके पर NCOC SOP को वजह कर रहा है जो इस वबा में अवाम के तहफ्फुज़ की जामिन हो और अवाम इस मजहबी फरीजा को एहसन तरीके से अदा कर सकें। इसके अलावा NCOC की जानिब से अवाम को कोरोना वबा से खबरदार रखने और इससे महफूज रहने के लिए TV, रेडियो, मोबाइल मैसेजेस और रिंग टोन्स, अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए मतला किया जा रहा है। मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए PTA ने अब तक सार्फिन को 2,215 मिलियन मैसेजेस, जिनमें जनरल अवेयरनेस मैसेजेस 132 मिलियन, रिंग बैक टोन्स 239 मिलियन, एजुकेशनल मैसेजेस और 164 मिलियन प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड मैसेजेस भेजे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पर 376,595 मिनट एयर टाइम और 7 लाख
2362 मिनट स्पॉट जिसमें 200 के करीब प्रोमोज, टेस्टिमोनियल्स, न्यूज कवरेज और प्रेस ब्रीफिंग शामिल हैं। रेडियो पर 13 मुख्तलिफ जमानों में इसी हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेजेस और दीगर मालूमात फराहम की जा रही हैं। प्रिंट मीडिया में कारपोरेट इश्तहारात, मीडिया हाउसेज के अपने लगाए हुए इश्तहारात, कॉलम्स और एडिटोरियल्स के जरिए तमाम मालूमात दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स, डैशबोर्ड, व्हाट्सएप के जरिए आवाम तक तमाम मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वफाकी और सूबाई हुकूमतों, मौलजीन, हुकाम, मीडिया और समाजी ग्रुप्स के लिए कलीदी जरिया साबित हुआ। वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स, गैर मुल्की सफरा, दिफाई अताचियों, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया, चीनी फौजी और सिविल वफूद ने कमांड सेंटर का दौरा करके कारकर्दगी को सराहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यकजा, मुतहद और पुरअज़्म पाकिस्तान का हकीकी अक्स साबित हुआ। वाजे हो गया कि बहरान ख्वाह कैसा भी हो, कौमी इतिहाद से हर चैलेंज का मुकाबला मुमकिन है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने जेलों में फौरी तौर पर शिकायत बक्स रखवाने की हिदायत कर दी है। महकमा जेल के करप्ट अफसरान और अहलकारों की फहरिस्तें बनाने का भी हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और सूबाई वजीर सेहत यासमीन राशिद की मसरूफियात का अहवाल बता रही हैं शुमाइला शब्बीर अपनी इस रिपोर्ट में। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गुजरात में जेल में हंगामा आराई के वाक़े पर वार्डन समेत 9 जेल अहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लाहौर में मुनक़दा इजलास में वजीर आला ने जेलों में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने की हिदायत की। अराकीन सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान वजीर आला ने कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासिर अपनी लूट मार का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इन करप्शन ज्यादा सियासतदानों को मुस्तरद कर चुके हैं। तहरीके इंसाफ की हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं और अराकीन असम्बली के हल्कों में उनकी मुशावरत से अवामी फलाह के काम होंगे। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कौमी असम्बली के चीफ व्हिप मलिक मोहम्मद आमिर डोगर से मुलाकात की। मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरों की तैनाती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीरे आला ने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए तैनात अफसरों को माली और इंतजामी खुद मुख्तारी दी जाएगी और सूबाई फाइनेंस अवार्ड के तहत इजला को तरक्याती फंड फराहम किए जाएंगे। मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने पंजाब का टैक्स रिलीफ बजट पास होने पर वज़ीरे आला को मुबारकबाद पेश की। वज़ीरे आला सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट ने भी मुलाकात की और इदारे की तरफ से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 9 लाख रुपए का चेक पेश किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क को माशी मसाइल से निजात दिलाने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद ने फातिमा जना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में तारीफी असनाद तकसीम की। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि वजीर आला महमूद खान की क्यादत में महकमा सेहत समेत तमाम इदारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है जिससे सूबे में मजमुई तौर पर कोरोना केसेज और अमवात की शरह में कमी हुई है। तफसील पेशावर से मोहम्मद शाहिद की इस रिपोर्ट में। पिशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल चारसद्दे के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सूबे के मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट अस्पतालों में 600 से ज्यादा बिस्तरों की तादाद बढ़ाई है जबकि पिशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी 250 से ज्यादा बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना सेंटर बना रहे हैं। चारसद्दा में जहां पे हमने रैपिड बेसिस पे एक वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है, उसका एक विंग में हमने 32 लोगों की सर्ज कैपेसिटी एचडी और आईसीयू की बनाई है जो चारसद्दा डिस्ट्रिक्ट और पेशावर वैली के दोनों काम आएगी। फिर इतलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए अलहदा अस्पताल कायम कर दिया गया है। इस अस्पताल में तमाम जदीद सहूलियात मुयसर हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बहुत जल्द इस स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। सलूट पेश करता हूं बार बार अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और तिबी अमले। एक मिनट के लिए किसी ने ये नहीं सोचा कि अपनी जान की परवाह की हो लेकिन अपनी आवाम के तहफ्फुज़ के लिए दिन रात एक करके जो कुर्बानियां दी है मैं हमेशा से कहता हूँ ये हमारी नस्लें याद रखेंगी। मुशीर इतलात ने कहा कि कोरोना से निमटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर तमाम वसाइल बरोएकार लाते हुए सेहत के शोबे को मुस्तहकम बनाया। मोहम्मद शाहिद, बीटीवी न्यूज, पिशावर।
ناظرین بلوچستان کے وزیراعلی میر جام کمال خان کی زیر صدارت اجلاس میں پاک افغان بارڈر چمن کی بندش سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس مسئلہ کے مستقل بنیادوں پر حل سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیراعلی نے کہا کہ وہ وفاقی حکومت سے متعلق امور پر وزیراعظم سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ اس مسئلے کا فوری اور مستقل بنیادوں پر حل ممکن ہو سکے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو، آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل فیاض حسین شاہ، آئی جی پولیس، سی او ایس سدرن کمانڈ میجر جنرل دلاور اور انٹیلیجنس اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ ناظرین لاپتہ افراد کمیشن نے رواں سال 30 جون تک 4,593 کیسز نمٹا دیے ہیں۔ کمیشن کے اعلامیے کے مطابق جون 2020 کے دوران 12 نئے لاپتہ افراد کے کیس کمیشن کو موصول ہوئے، جس کے بعد جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد سے متعلق کیسز کی مجموعی تعداد 6,686 ہو گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق اس وقت لاپتہ افراد کی تعداد 2,093 ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی برطرفی کی منظوری دے دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے زیر صدارت لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ارشد ملک کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو 48، چیک پباد، نوکنڈی اور دالبندین میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین 6 کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ انگلینڈ پہنچ چکا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر سفر کرنے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں۔ کھلاڑیوں کا واسطہ شہر پہنچنے پر کووڈ-19 ٹیسٹ کیا جائے گا، نتائج آنے کے بعد اسکواڈ جوائن کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے واسطہ شہر میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن جاری ہے۔ کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے بھرپور پریکٹس کی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ وقار یونس نے کہا ہے کہ کرونا ٹیسٹ کے بعد کھلاڑیوں نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے، امید ہے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں پلیئرز اچھا کھیل پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا سے کرکٹ کو دھچکا لگا، گزشتہ 3.5 ماہ کھلاڑیوں سے رابطہ رکھا، کھلاڑیوں کی رہنمائی جاری رکھی تاکہ وہ فٹ رہیں۔ وقار یونس کا کہنا ہے کہ کرونا ختم ہونے کی صورت میں صورتحال نارمل ہو جائے گی، بصورت دیگر آئی سی سی کو گیند چمکانے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تلاش کرنا پڑ سکتا ہے۔ قومی T20 اور ون ڈے ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ تمام تر توجہ ٹیسٹ سیریز پر مرکوز ہے اور پھر T20 کا سوچیں گے۔ خوشی کی بات ہے کہ تمام کھلاڑی فٹ ہیں، کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی ٹریننگ بھی کی۔ کپتان نے کہا کہ دورہ انگلینڈ کی ٹیم میں تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑی شامل ہیں، انفرادی کارکردگی سے زیادہ ٹیم کی جیت اہم ہے، بطور کپتان چاہتا ہوں کہ ٹیم کو فتح ملے۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ فائنل فکسڈ ہونے کی اطلاعات کے بعد سری لنکا میں تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل ڈویژن پولیس نے 2011 ورلڈ کپ فائنل کے کپتان کمار سنگاکارا کو طلب کیا۔ سری لنکن اوپنر اپل تھرنگا سے 3 گھنٹے تفتیش کی گئی۔ بھارت نے سری لنکا کو ورلڈ کپ 2011 کے فائنل میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر عالمی چیمپئن ہونے کا احساس حاصل کیا تھا۔ سری لنکا کے سابق وزیر کھیل مہندا نندا کی جانب سے فائنل فکس اطلاعات کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے سری لنکن کھلاڑیوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ فائنل فکسڈ ہونے سے متعلق سری لنکن وزیر کے بیان پر آئی سی سی کے جنرل مینیجر الیکس مارشل نے کہا ہے کہ آئی سی سی کی انٹیگریٹی یونٹ اس معاملے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میچ فکسنگ کے حوالے سے آئی سی سی اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت کسی قسم کے شواہد فراہم نہ ہونے پر تحقیقات شروع نہیں کر سکتی اور نہ ہی سری لنکن وزیر یا کسی حکام کی جانب سے کوئی خط یا ثبوت موصول ہوئے ہیں۔ الیکس مارشل کا کہنا ہے کہ جو ہی اس حوالے سے ثبوت فراہم ہوں گے آئی سی سی کا متعلقہ یونٹ کھیل کی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے تحقیقات شروع کر دے گا۔
पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जरिए तमाम ऑनलाइन मेंस कोचिंग रिफ्रेशर कोर्स का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। वर्चुअल कोर्स में मुल्क भर के 11 फुटबॉल मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स और डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले 20 कोचेस ने चीफ इंस्ट्रक्टर और मुअव्विन की मदद से अपनी कोचिंग की तालीमात पर नजरसानी की। रिफ्रेशर कोर्स PFF के एक माह तवील कोचिंग कोर्सेज के सिलसिले का हिस्सा है, जिसका आगाज वुमेन्स ऑनलाइन कोचिंग रिफ्रेशर और इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के इनका से हुआ था। कोर्स के दूसरे हिस्से का इनका अगले हफ्ते किया जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चैंपियन लिवरपूल को अपसेट शिकस्त, मैनचेस्टर सिटी ने 4 गोल से हरा दिया। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मैनचेस्टर में खेले गए मैच के पहले हाफ में मैनचेस्टर को 1 गोल तोहफे में दिया। लिवरपूल की टीम कोई भी गोल न कर सकी। इसी के साथ ही खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेंडस की तरफ। शुक्रिया अनीस। खेलों की इन खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। कासिम अली और नाजिया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। सुल्तान अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है बंदूक। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर अर्तुरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्दोगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और कुंदुगलू को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्दोगलू